हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यहाँ पे एक दो चीज़ें डाउट है जो सभी को मैं बताना चाहूँगा कि कोस्ट गार्ड के एग्जाम के अंदर जाना है वैक्सीन लेके कि नहीं जाना है। वैक्सीन मैंडेटरी, मतलब बहुत सारे लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लिए, वो मैंडेटरी है कि नहीं है। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन में दे रखा है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के बारे में, वो क्या चीज़ है और वो उसका यूज़ कहाँ पे है। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे, देखो यहाँ पे दे रखा है ना, यहाँ पे कहाँ गया ये इंस्टॉलेशन एंड यूज ऑफ आरोग्य सेतु ऐप वगैरह मैंडेटरी, ये सब चीज़ें क्या, मैं हर चीज़ बताऊंगा यहाँ पे। COVID-19 इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है अपने लिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें बाकी, और इसके अलावा एक चीज़ और ये मैं बताना चाहूँगा कि कॉपी पेपर के लेके पेन लेके जाना है कि नहीं, ये सभी चीज़ें। बाकी रफ सीट वगैरह के बारे में, एग्जाम्स की लैंग्वेज, तो पहले मैं एग्जाम्स की लैंग्वेज वगैरह मैं आपको बता दूँ, फिर आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में जाने से पहले हमको याद रखना है वैक्सीन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले समझो यहाँ पे आपका एग्जाम का लैंग्वेज, अभी तक बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, वो एग्जाम का लैंग्वेज होगा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा। यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसको हम लोग क्या माइनस मार्किंग कहते हैं, कोई भी नहीं। अगर आपने गलत आंसर भी कर दिया तो उसके लिए सही आंसर में से कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहो। तो इसलिए आप अगर सेक्शन वन देना है तो आउट ऑफ 60 कर लो, पूरा अटेम्प्ट करना, डरना मत पूरा। जो नहीं आंसर पता होगा वो भी आंसर कर देना, सेक्शन टू के अंदर 50 क्वेश्चन होगा उसको भी आंसर कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी पेन से रिलेटेड कोई बातें हैं, पेन लेके नहीं जाना है। क्यों सर? देखो इसके अंदर लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर एटिक्वेट्स, ठीक है। इसके अंदर जब जाओगे तो देखो यहाँ पे चीज़ें ली गई है, यहाँ पे एनी टेक्सचुअल मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैलकुलेटर स्कैनर्स फोन वॉच टीवी एंड स्टेशनरी आइटम्स, स्टेशनरी आइटम्स में आ जाते हैं पेन पेंसिल पेंसिल बॉक्स ज्योमेट्री बॉक्स प्लास्टिक पॉच ईटीसी, ये सभी आर नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर, ये सभी चीज़ें अलाउड नहीं है। मतलब पेन पेंसिल ले ली जा रहा तो सर लिखेंगे कैसे? तो गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है ब्लैंक पेपर फॉर रफ वर्क, ठीक है। मतलब एक सादा पेपर देंगे आपको रफ करने के लिए, विथ राइटिंग मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। मतलब राइटिंग मटेरियल का मतलब लिखने वाली चीज़ें, लिखोगे किस चीज़ से? खून से तो लिखोगे नहीं, वहाँ पे पेन से लिखोगे। तो पेन देंगे आपको और रफ सीट देंगे, रफ सीट देंगे, ऊपर में क्या देंगे कि अपना मतलब रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर नाम ये सब फिल कर दो, तो वो सब बता देंगे वो लोग। तो वो सभी चीज़ें फिल कर देना, पेन और रफ पेपर देंगे। और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन मान लो हमारा रफ पेपर खत्म हो जाता है, अब हमको और हमारी रिक्वायरमेंट है कि एक दो पेज और मिल जाती है हमें, इसमें कोई वरी वाली बातें नहीं है, आपको फिर मांग सकते हो सर आई नीड अ पेपर, ओके ओके ला के दे देंगे आपको। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम चिल्ला के बोलेंगे नहीं, बस हैंड रेज कर देना, हाथ उठा देना, वो आपके पास आ जाएंगे। जस्ट पेन या फिर पेपर बीच में जो भी चाहिए वो आपको ला के दे देंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये हर एग्जाम में ऑनलाइन में मिलता है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए सभी इन्फॉर्मेशन था। अभी सवाल ये आता है कि देखो सर वैक्सीन के बारे में आपने बताया नहीं। देखो पूरा पेपर पढ़ लो, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया, इसके अंदर कहीं भी कोई भी वैक्सीनेशन से रिलेटेड कोई भी मतलब अब मुद्दा मुझे दिखा नहीं, ठीक है, मुझे कहीं दिखा नहीं। और अभी तक पहले भी जो एग्ज़ाम हुआ था कोविड के ड्यूरिंग द कोविड की एग्ज़ाम जो हुआ था आपका कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी जानते हैं, या फिर वगैरह वगैरह बहुत सारी एग्जामिन हुई, उसमें किसी में कोविड के टीके के बारे में मेंशन नहीं था कि आप टीका लेके आए हो, मतलब वैक्सीन लेके आए हो कि नहीं लेके आए हो, ठीक है। तो वैक्सीन आपने नहीं भी लिया तो ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, तो बड़ी बात तो है आपको ले लेना चाहिए था, फिर भी नहीं लिया आपने, तो वो आपको इस रीज़न से बाहर नहीं निकालेंगे। बाहर निकालने का कुछ रीज़न है, ठीक है। अगर आपका लाइक अगर आप फ्लू है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, या फिर आपको लग रहा है उनको डाउट हो गया आपको फ्लू वगैरह है, लाइक बहुत ज़्यादा खांस रहे हो छींक रहे हो, तो इस रीज़न में भी आपको बाहर नहीं भगा सकते। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाहर भगा दे, वो आपको एक आप पे अगर उनको डाउट हो गया, आपका टेम्परेचर मेजर करते हैं वहाँ पे, इस रीज़न से अगर मान लो सर्दी खांसी कुछ भी हो जाता है उनको डाउट हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा छींक दिए एक बार तो डाउट हो गया, नहीं, अब कंटिन्यू खांसे जा रहे हो छींके जा रहे हो, टेम्परेचर भी हाई हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा पानी वानी देंगे पियो, फिर भी ठीक नहीं हुए रिलैक्स नहीं हुए, तो आपको मतलब सेपरेट जगह पर बैठाएंगे, ठीक है, सेपरेट जगह पर बैठा के आपका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, मतलब ग्रुप से आपको अलग रखेंगे, बट इसमें कोई वरी वाली बात नहीं है, आपका क्वेश्चन सेम होगा, वो टाइमिंग आपको सब मिलेंगी, तो हर चीज़ फैसिलिटी मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा अलग रखा जाता है। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन का मतलब ये सही चीज़ है ताकि आप ग्रुप में ना घुसो। बाकी मैंडेटरी चीज़ें जो हैं ले जानी आपको, समझो यहाँ पे पर्सनल हैंड सैनिटाइजर ले जाना, और अपना अगर बॉटल वोटल पानी पीना होगा तो पानी तो अंदर देते हैं, फिर भी देखो जरूरी नहीं है कि आपका जो मतलब सेंटर है वहाँ पर भी पानी दे, किसी किसी सेंटर पर लोग नहीं भी देते, तो उस कंडीशन में अगर बॉटल ले जाना है पानी वाला तो ट्रांसपेरेंट ले जाना। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि एक साइड से दूसरी साइड मतलब व्हाइट कलर वाली होती है ना, कि आर पार पानी दिखे, ठीक है। और मास्क आपको पहन के जाना, और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पूरा आपको पूरा जब तक एग्जाम होगा लाइक 45 मिनट एक घंटे का एग्जाम ही ज़्यादा तो है नहीं, आपको मास्क पहना के बैठेंगे। तो ये सभी चीज़ें थी। बाकी गाइज अगर आप लोग जो कह रहे हो ना कि सर वैक्सीन से रिलेटेड बताओ कुछ की प्रूफ, मतलब कैसे पता चले कि लेके जाना है कि नहीं, पहन के जाना है कि नहीं, मतलब टीका लगवा के जाना है कि नहीं,
देखो यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन उन्होंने साफ साफ देख दिया कि आप खुद से डिक्लेयर कर दो यहाँ पे आके, ठीक है, कि आपको कोई बीमारी है कि नहीं है। ये सब चीज़ें तो मैंने बार बार बता रहा था कि अगर कुछ नहीं है तो नो नो पे कर दो यहाँ पे। अब मान लो आप सबने नो नो कर रखा है, आपका टेम्परेचर भी ज़्यादा है, आपको कफ भी है, आपको सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है, मार छींक रहे हो बहुत ज़्यादा वहाँ पे, सब पे नो नो किया तो फिर अब तो प्रॉब्लम होगा। अगर कुछ बीमारी है तो उसमें से किसी एक पे यस कर देना, अदरवाइज सब पे नो करना अगर कुछ भी नहीं है तो। और यहाँ पे तो फिर आपने कोविड से अफेक्टेड इंसान से अगर नहीं मिलो तो नो पे करोगे, तो इसलिए वो सेल्फ डिक्लेरेशन ले रहे हैं आपसे, वो डिक्लेयर करा रहे हैं कि आपको कोई बीमारी है नहीं। और बाकी पूरे नोटिफिकेशन के दौरान आप पढ़ लोगे तो आपको ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगा कि ये मतलब बताओ कि आपने वैक्सीन लिया कि नहीं, नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैक्सीन नहीं मिली हो तो आपको एग्जाम से कोई मतलब प्रूफ ही नहीं मांगेंगे, वैक्सीन के बारे में वो जिक्र ही नहीं करेंगे। बस ये जो कोविड का जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बस फॉलो कर लेना पूरे एग्जाम के दौरान, कि अपने को सेंटर पे जो रिपोर्ट करना है तो 6 फीट का दूरी वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें बना के रखना। और एक चीज़ आरोग्य सेतु के बारे में सर आपने बताया, देखो इंस्टॉलेशन एंड यूज़ ऑफ आरोग्य सेतु एप्लीकेशन, ठीक है। देखो ये जो चीज़ है, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन लेके जा रहे हो, देखो ध्यान से सुनो, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर जरूरी नहीं कि एंड्रॉयड बोला तो एंड्रॉयड ही मतलब स्मार्टफोन है, आईफोन भी है तो चलेगा, तो उस कंडीशन में आप आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना और लॉगिन वगैरह सब कुछ कर लेना। अगर पूरे रास्ते जहाँ जहाँ जा रहे हो तो मतलब इसको यूज़ करते मतलब थोड़ा बहुत यूज़ कर लेना ताकि आप अप टू डेट रहो। और अब ये इसलिए कह रहे हैं ना कि आरोग्य सेतु ऐप एक ऐसा ऐप है कि अगर मान लो आप भी आपने भी ये यूज़ कर रखा है, ठीक है, और आपके बगल में जो जा रहा है उसने भी आरोग्य सेतु ऐप यूज़ कर रहा है, अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर उसने अपना टेम्परेचर प्रोफाइल में डाल रखा है, ठीक है, तो ये आपको मतलब ये बता देगा कि उस इंसान से थोड़ा सा आप दूर बना के रहो, वो कोविड से हो सकता है कि उसको कोविड का सिम्टम्स हो, उससे दूरी बनाओ। यही आरोग्य सेतु ऐप बनाता है। ये नोटिफिकेशन भी इन्होंने इसलिए दे रखा है कि आप थोड़े से अलर्ट रहोगे और आपके वजह से किसी और को ये सब चीज़ें फैले ना, अगर आप कोविड अफेक्टेड के पास चले भी जाते हो तो ऐसा नहीं, तो आप तो खुद अफेक्टेड हो गए साथ में किसी और को भी कर दोगे, इसलिए इन्होंने लिख दिया है। बाकी गाइस देखो, जिसके अभी सीन यहाँ पे ये होता है कि बहुत सारे लोग पास फ़ोन लेके नहीं जाते, या फिर फ़ोन किसी के पास है तो वो कीपैड फ़ोन है तो उनके साथ क्या होगा, तो ये जिसे बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं है मैंडेटरी, उन्होंने लिखा बट चेक नहीं करते। पिछली बार भी एग्जामिनेशन में लिखा था उन्होंने कि आरोग्य सेतु चाहिए, एयरफोर्स के एग्जाम में भी लिखा था बट कहीं पर भी ये चीज़ मतलब वेरीफाई किया नहीं। फिर भी एक चीज़ मैं आपको राय दूंगा, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो इसको इंस्टॉल कर लेना, कोई मतलब पैसे वाली चीज़ है नहीं, फोकट की चीज़ है। अब बाकी वेरीफाई किए तो ठीक है, नहीं तो बाद में इंस्टॉल कर देना घर आके, कौन कह कि पैसे लग रही है, 2-4, 10-15 MB की चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, टेंशन फ्री रहो, कोई भी कोविड का टीका नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। हाँ, अगर सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं भरे हो तो दिक्कत है, तो ये सभी चीज़ें हैं। बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जानी है उसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया था, जाके देख लो, उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, पूछ लो। बाकी गाइस फिर भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम पे सारी इंपॉर्टेंट PDF मैंने प्रोवाइड करा दी है, और ए टू जेड स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।